एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा की ऑनलाइन क्लासेस में आप सब बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, असी आज चर्चा करांगे पड़नाव बारे। इस तो पहला असी नाव नूं समझ चुके हाँ। सो पड़नाव सब तो पहला असी परिभाषा वेखदे हाँ। सो जो परिभाषा है प्यारे बच्चों पड़नाव दी, वो की हुई? वो है जिहड़े शब्द नाव दी थां ते वरते जांदे हन, थां ते वरते जांदे हन, उन्हां नूं की आखदे हां? उन्हां नूं पड़नाव आखदे हां, पड़नाव कहा जांदा है। ये प्रचलित प्यारे बच्चों परिभाषा है जो आम प्रचलन विच चली आ रही है, ते असी यानी कि यही ज़्यादा लिखते हैं। जिहड़े शब्द नाव दी थां ते वरते जांदे हन उन्हां नूं की आखदे हन? पड़नाव। पड़नाव उही जिसनूं तुसीं हिंदी विच सर्वनाम आखते हो, अंग्रेजी विच प्रोनाउन आखते हो। सो असी हिंदी नाल भी थोड़ी जी तुलना करके परिभाषा कुछ उदाहरण समझांगे, ते कुछ होर भी परिभाषावां असी समझण दा इत्थे यतन करांगे, हो ताकि सानू ये कॉन्सैप्ट बिल्कुल क्लीयर हो जाए। सो प्यारे बच्चों जो पड़नाव है, इत्थे दस्से ना जिहड़े शब्द ना दी थां ते वरते जांदे हन। हुण प्यारे बच्चों तुसीं ये गौर करना, ना पहला पढ़ के आ चुके हो ना तुसीं, ना की नाव किसनूं आखदे सी? या तां किसी की है व्यक्ति दा ना होगा, या किसी वस्तु दा ना, या किसी थां दा ना, या भाव दा ना, यानी कि नाव की है? ना ही सी। यानी कि दुनिया दे असी कह सकते हाँ दुनिया दे सारे नाम, दुनिया दे सारे ना, सारे नाम वो तो की होए? नाव दे उदाहरण हैं। यानी कि वह ना किस रूप में हो सकते हैं? या तो किसी व्यक्ति का ना होगा, है ना, व्यक्ति चे चाहे कुड़ी है, मुंडा है, कोई जीव है, कोई मनुख है, कोई पशु है, या कोई वस्तु है, या थां है। यानी कि दुनिया के सारे नाम ये तो की हैं? नाव हैं। तो इन्ना इस नाव यानी कि किसी व्यक्ति का ना लैण की थां ते, जिवें व्यक्ति का उदाहरण असी ना विच असी जिवें मोहन सोहन सुरजीत असी ले सी, कोई वस्तु है जिवें मेज है, कुर्सी है, है ना, कोई थां है जिवें पीलीबंगा है, कोई भी असी अनेक उदाहरण समझे सी। सो इन्हां नावां दे थां ते यानी कि मैं मोहन कहण की बजाए जे होर कुछ कह दिया तो वह की होया? वह पड़नाव होया। यानी कि ये ऐसे ना होंदे हन, इसनूं तुसीं इस तरह समझ सकने हो, यानी कि दुनिया के सारे नाम तो नाव के उदाहरण हैं, तो जो सब का ना है, सब का ना वो की है? वह पड़नाव है। हिंदी विच जे तुसीं वेखो ना तो इसनूं की पढ़ते हो तुसीं? सर्वनाम। सर्व मने सब, ते नाम मने नाम, यानी कि जो सब का ना है। सब का भाव जो मेरा भी ना है, तुहाडा भी ना है, जो मेरा भी ना है, तुहाडा भी ना है, किसी होर दा भी ना है। ऐसे ना जो सांझे हैं, असी ये कह सकते हैं सांझे ना है। यानी कि जदों असी किसी का ना ना लैके सांझे रूप विच एक ऐसे कुछ शब्द बने हुए हैं 10-12 जो असी आम रोज़ हर वरतते हाँ, ठीक है। सो ओ दोबारा परिभाषा वैसे प्रचलन विच लिखनी भी सानू खैर यही है, तो यही चलती है किड़े कि जेड़े शब्द नाव की थां ते वरते जाते हैं उन्होंने पड़नाव आखते हैं। समझने लिए थोनू एक इत्थे मैं दस रहा हाँ कि पड़नाव का अर्थ ये हो गया सर्वनाव, यानी कि सब का ना, जो सब का ना है, ठीक है। इसनू असी होर अगे उदाहरण राही भी होर समझावेंगे, ठीक है। ये मोहन मेज या कुर्सी या कोई वस्तु उन्होंने ना की थां ते मैं कई बार की बोल दिना हाँ, जिवें मोहन आप कह दें, यानी कि कोई मुंडा है, या उस बारे असी कई बार कह दें वह बड़ा शरारती है। मान लो मोहन की गल कर रहे हैं, लेकिन मैं मोहन ना ना वरत के उस लिए की वरता? ओ बड़ा शरारती है। यानी कि ओ शब्द किस लिए आया है? इस मोहन लिए आया है। मान लो मोहन है मेरे पास बैठा है, साढ़े क्लास जमात विच बैठा है। सपोज करो असी क्लास विच बैठे हैं, अज तुसी 40-50 बच्चे मेरे सामने बैठे हो, तो असी ये जो है पड़नाव नूं समझ रहे हैं, सब मोहन है। सो मोहन बारे मैं थोनों इशारा करके कई बार ना नहीं दसदा, किवें दसना? कोल बैठा यही आखना ये बड़ा शरारती है। जे दूर बैठा तो मैं ये कह देना कि ओ मुंडा, ठीक है, ओ बच्चा, ओ शरारती है, ओ शब्द वरत देने। सो ओ किस लिए आउंदा? उस मुंडे दे ना दी थां जिस बारे चर्चा कर रहे हुंने हां।
सो ओ की है ए शब्द होया पड़नाव, यानी कि जेड़े नाव दी थां ते वरते जान। सो पहला तो कुछ उदाहरण देखते हैं कैसे शब्द हो गए, जिमें मैं, असी, तुसी, ठीक है, ई है, ओ है, यानी कि ए ओ, आप, आपस, ठीक है, कुछ, अनेक, सारे, जो, सो, जेहड़ा, आद, ये जो शब्द हैं, ठीक है, इन्हां तो कुछ होर भी शब्द बन गए, मैं, मेरा, असी, तुसी, तुहाडा, तुहानू, तुहाथों, मैथों, तुहाडे, एना, उना, ए, ओ, आप, आपस, अपना, जो, सो, जेहड़ा, कुछ, विरला, अनेक, ये सारे शब्द कुछ ऐसे हैं जिन्हां नूं असी पड़नाव आखदे आ। पड़नाव शब्दां दे ये कुछ उदाहरण हैं। सो उम्मीद है तुहानूं परिभाषा समझ आ गई होगी। तो व्यवहारिक रूप नाल असी यही कह सकते हाँ शब्दां नां ही की हुंदा है पड़नाव, शब्दां नां जो मेरा है तुहाडा, इसनूं इस प्रकार भी समझ सकते हो। मान लो मैं तुहानूं पढ़ा रहा हाँ तो मैं अपने नाँ की थां अपना नाँ नहीं लैंदा, मैं अपना नाँ इस तरह तो नहीं भी राजेंद्र सिंह तुहानू पड़नाव अज करवा रहा है बई, इस तरह मैं तुहाडे नाल नहीं गल करता, किस तरह करता हाँ प्यारे बच्चों, मैं तुहानू, मैं राजेंद्र सिंह दे नाँ दी थां ते की वरत्या मैं, ये मैं किसका नाँ है, ये मेरा नाँ है। तुसी भी अपने नाँ दी थां ते केड़ा शब्द ज़्यादा यूज करने हो, मैं। सो मैं एक सांझा नाँ हो गया जो सब दा नाँ है, जो मेरा भी है जो तुहाडा भी है। तुसी 50 जने मेरे सामने बैठे हो, मैं तुहानू कुछ लर्न करने लई याद करने लई जे देना है, मान लो ये पढ़ा के, तो अज मैं यही कहना है कि तुसी ये होमवर्क करना है, तो कल इस दा टेस्ट होना है, तो सब दा की मैं नाँ लऊंगा, नहीं, मैं तुहाडे सारे बच्चियां दे नाँ दी थां एक ही शब्द वरतदा हाँ, की वरतदा हाँ, तुसी सारे, तुसी शब्द मैं वरता थोड़े लई, रमनदीप लई, अनुराग लई, सोहन लई, मोहन लई, मैं एको ही शब्द वरत रहा, की वरत रहा हाँ, तुसी कल ये याद करके आयो बच्चो की पड़नाव, ये तुसी की है, ये ऐसा शब्द है जो नाव दी थां ते कम आया है, थोड़े नावां दी थां ते आ गया। सो इस तरह प्यारे बच्चो ये कुछ असी इस दे उदाहरणा राही इसनू समझिया है। हुण प्यारे बच्चो असी इस दियां कुछ जो भेद हैं किस्मां हैं उन्हां दी चर्चा करते हाँ। वैसे ये भी समझ सकते हो प्यारे बच्चो जो पड़नाव है ये क्यों बनी। पड़नाव देखो जो नाव शब्दां नाल भाषा विच वाकां विच रोचकता कायम नहीं रहिंदी, उस लई भी पड़नाव शब्दां दा असी कह सकते हाँ ये प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाकां विच वार वार, वाकां विच वार वार जो की आउंदे हन नाव शब्द, इक्को वर्गे नाव शब्द वार वार आउंदे हन, जिस नाल की है भाषा अरोचक हो जाती है, ठीक है, तर्कपूर्ण नहीं लगती। सो भाषा नूं रोचक बनाउण लई भी असी पड़नाव शब्दां दा प्रयोग करते हैं, कितने ना कितने वाक नूं संखेप भी ये करती है। पड़नाव शब्द वाक नूं कई बार संखेप करन दा भी काम करते हैं, संखेपता लिआउण लई, जिवें कोई बहुत वड्डा नाँ है उस नाँ दे लई असी सिर्फ ए ओ है ए शब्द वरत के ही अगे पूरा वाक असी जोड़ दिंदे हां। सो संखेप करन लई या शब्दां दे वार वार दोहराव नूं रोकण लई भी पड़नाव शब्दां दा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो पड़नाव दे ये कुछ असी इसनूं समझण दा यतन किया है, ठीक है। ऐसे प्रकार हुण असी प्यारे बच्चों वेखदे हाँ भेद, भेद किन्ने होए, किस्मां किन्नियां होईयां इस दियां, सो किन्ने हुंदे हन, 6 भेद हुंदे हन पड़नाव दे, सर्वनाव दे, प्रोनाउन दे। कैसे, नंबर 1 पुरखवाचक, पुरखवाचक पड़नाव, ठीक है। सो ये याद होने चाहिए थोनू ना, पुरखवाचक पड़नाव। ऐसे प्रकार प्यारे बच्चे दूजा पड़नाव असी उदाहरण ले सकते हाँ निजवाचक, निजवाचक पड़नाव। तीजा असी ले सकते हाँ ना प्यारे बच्चे निश्चय, निश्चयवाचक। चौथा असी लैने हाँ अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। पंजवा असी ना लै सकते हाँ प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। तो अंतम असी संबंधवाचक, संबंधवाचक पड़नाव। ये 6 प्रकार हैं। हाँ इन्हां विचों पुरखवाचक नूं असी अगे 3 होर, क्योंकि पुरख 3 प्रकार के होंदे हन, किहड़े, उत्तम पुरख असी कहने हाँ, मध्यम पुरख ते अन्या पुरख, ठीक है, यानी कि पहला, दूजा ते तीजा पुरख। ये अगे इस दे होर
तीन रूप हैं पुरखवाचक दे। इन्ना सारे जो भेद हैं छी दे छी इन्हां दी व्याख्या ते उदाहरण असी अगले वीडियो भी चर्चा करांगे। ये जो ना हैं तुसी ते परिभाषा ते उदाहरण तुसी इत्थों तक प्यारे बच्चों याद करो। सो मिलदे हाँ, सो धन्यवाद।